नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करने वाला श्री सूक्त का पाठ श्रवण करेंगे। इस पाठ का यदि जोर जोर से उच्चारण किया जाए तो लक्ष्मी माँ विष्णु लोक से दौड़ी चली आती हैं। हम ये धन प्राप्त करने वाले श्री सूक्त का पाठ करें इससे पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर इन लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे ऋग्वेद में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त की विशेष महिमा का वर्णन है। आज हम आपके समक्ष श्री सूक्त का पाठ सा अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। ऋग्वेद के ये श्लोक अपने आप में सिद्ध श्लोक है। दर्शकों, यदि आप इन मंत्रों का जाप स्पष्ट रूप से करेंगे तो माँ भगवती लक्ष्मी इन मंत्रों के उच्चारण करने वाले के यहाँ खिंची चली आती हैं। हरि ओम हिरण्य वर्णा हिरणी सुवर्ण रजत सृजाम चंद्रा हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो महावह। हे देवों के प्रतिनिधि अग्निदेव, स्वर्ण जैसी बड़ वाली दरिद्रता का विनाश करने वाली में हिरणी के समान गत वाली लक्ष्मी, चफल स्वर्ण और चांदी की माला धारण करने वाली चंद्र जैसी शीतलता की पुष्टि करें। ऐसी लक्ष्मी को मेरे अभ्योदय के लिए मेरे यहाँ लेकर आए। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी यस्या हिरणम बिंदेहम ग्रामस पुर पाहनम। जिनके पास से वेदों की प्राप्ति हुई है, लक्ष्मी नारायण मेरे यहाँ से कभी भी वापस न जाएं। ऐसी स्थिर लक्ष्मी, अविनाशी लक्ष्मी को मेरे यहाँ सम्मान पूर्वक लेकर आए, जिनकी वजह से मैं धन वैभव घोड़ा पुत्र पुत्रादि स्वर्ण पृथ्वी और सेवक आदि को प्राप्त कर सकूं। अश्वपूर्वा रथ मध्या हस्तिनादि प्रमोदनी श्रियम देवी मुहपे श्री रमा देवी जुस जाती। जिस सेना के आगे अश्व दौड़ते हैं, ऐसे रथ के मध्य बैठी हुई जो देवी लक्ष्मी हैं, उनके आगमन में हाथियों की नाद से ज्ञात हो जाता है कि लक्ष्मी जी आई हैं। ऐसी लक्ष्मी जी का मैं आवाहन करती हूँ, ऐसी लक्ष्मी सदा मुझ पर कृपा करें। मैं उस स्थिर लक्ष्मी को बुला रही हूँ, आप मेरे यहाँ आकर स्थिर निवास करें। कामम सो स्मिता हिरण्य पाक रामर्दा ज्वलंती तृप्ताम पर्यंतीम पद्मो स्थिता पद्मावरणा ताम होपिरिय श्रियम। जिसकी अवर्णीय मधुर हास्यवाणी है, जो स्वर स्वरूप पुंज से प्रसन्न तेजस्वी और क्षीर समुद्र में रहने वाले अनासक्ति कमल के आसन पर विराजमान है, कमल के समान मनोहर वरण वाली देवी लक्ष्मी मेरे घर में पधारें, मैं उनका आवाहन करती हूँ। चंद्राम प्रवासायाम यस्सा लोके देव जुष्टा मुदाराम पद्मनीवी सड हम प्रपते लक्ष्मी रमे नास्यंता त्वाम ब्रड़े। जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान सुगत स्नेह कृपा से भरपूर वैभवशाली श्रेष्ठ क्रांतिवान और निर्मल क्रांति वाली जो सभी देवों से तृप्त है, कमल के समान अनासक्ति लक्ष्मी की शरण में मैं जा रही हूँ। जिन दुर्गा की कृपा से मेरी दरिद्रता का नाश हो, ऐसी लक्ष्मी का मैं वरण करती हूँ। आदित्य वरणे तमसो अधिजातो वनस्पति स्तभ वृक्षो अधः बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायांत्राया ब्रहा अलक्ष्मी। सूर्य के समान तेजस्वी हे जगत माता, लोक कल्याण हेतु आप वनस्पति स्वरूप बेल वृक्ष की उत्पत्ति आपसे हुई है। आपकी कृपा से बेल फल हमेशा मेरे अंतःकरण में रहे। अज्ञान करण शोक मोह जो मेरे अंदर दरिद्र चिन्ह हैं, उनका विनाश करने वाले हैं। जैसे धन बाह रूप से मेरे बाहु दारिद्र का विनाश करते हैं। उपेतुमा देव सख कीर्ति श्रम मरना सह
प्रादुर्भूतो इस्मन राष्ट्र इस्मन कीर्ति मृद्य ददातु में हे महालक्ष्मी, जो महादेव के सखा कुबेर जी हैं और यश के अभिमानी देवता चिंतामणि सहित आप मुझे प्राप्त हो। मैं इस राष्ट्र में जन्मा हूँ, इसलिए कुबेर मुझे जगत में प्राप्त हुई लक्ष्मी प्रदान करें, यश समृद्धि बृह वर्जस्य सब प्रदान करें। क्षुत्य पासामला ज्येष्ठा लक्ष्मी नासाम्यहम अभ्युतिम समृद्धि च सर्वा निरोद्ग्रहात्। मुझे सुलक्ष्मी प्राप्त हो, इससे पहले मेरी दुर्बल देह में जो दरिद्रता और मलिनता से युक्त है, मैं उसका उद्योगादि से विनाश करती हूँ। हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर से अभावता और दरिद्रता का विनाश करें। गंधम द्वारा नाम दुराधर्षा नित्य पुष्टा करीष्णीम रीश्रीं सर्वभूतानाम ताम होप हिरिये श्रियम। अपने नारायण देव सुगंध वाले, जो सदा पुष्ट सर्व सुख समृद्धि सर्व सृष्टि को अपने नियमानुसार रखने वाले सर्व प्राणियों के आधार पृथ्वी स्वरूप लक्ष्मी जी, मैं आपका अपने राष्ट्र में आने के लिए आवाहन करती हूँ। मनसह काम माकुति वाचह सत्यम सीमई पशुना नाम रूप मन्यतस्य मध्य श्री श्रीयंता यश। हे महालक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरे शुभ संकल्प और प्रामाणिकता को प्राप्त होता हूँ। आपकी कृपा से गौ आदि पशुओं को भोजन प्राप्त हो। हे माँ लक्ष्मी, सभी प्रकार की संपत्ति को आप मुझे प्रदान करें। कर्दमेन प्रजाभूता संभवः कर्दम श्रियम वासय मे कुले मातरम पद्मालिनी। हे महालक्ष्मी, कर्दम नामक पुत्र से आप युक्त हो। हे लक्ष्मी पुत्र कर्दम, आप मेरे घर प्रसन्नता से निवास करें। कमल की माला धारण करने वाली आपकी माता लक्ष्मी मेरे कुल में स्थिर रहें। आपह स्रजांत्र श्रीधानी चिकलित वसग्रहे निच देवी मातरम श्रियम वसहे कुले। लक्ष्मी के पुत्र चिकली, जिनके नाम मात्र के स्मरण करने से लक्ष्मी स्नेह से भींग जाती हैं, आप मेरे घर में निवास करें और अपनी माँ लक्ष्मी को भी अपने साथ निवास कराएं। जल में से प्रकट हुई लक्ष्मी मेरे घर में स्थिर रूप से मांगलिक कार्य होते रहें, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आद्रा है करणी यष्टि सुवर्णा हेम मालिनी सूर्या हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो महाव है। हे जात वेद अग्नि, भींगे हुए अंगों वाली कोमल हृदय वाली, अपने हाथों में धर्म दंड रूपी लकड़ी को धारण किए हुए सुशोभित वर वाली, जो स्वयं स्वर्ण की माला धारण किए हुए हैं, जिनकी क्रांति स्वर्ण मान है, जो तेजस्वता में सूर्य के समान है, वह लक्ष्मी मेरे घर पर पधारें। आद्रा पुष्पकरणी पुष्टिम पिंगला पद्मालिनी चंद्रा हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो महाव है। हे जात वेद अग्नि, भींगे अंगों वाली आद्रा, जिनका अभिषेक हाथी अपनी सूंड से करते हैं, वे हाथों में पद्म धारण करने वाली गौर वरण वाली चंद्र के समान प्रसन्नता देने वाली भक्तों को पुष्ट प्रदान करने वाली उस स्वर्ण स्वरूपा लक्ष्मी को कृपा करके हमारे यहाँ भेजें। ताहम आहम जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी यस्या हिरण्यम प्रभुतः गावो दास्यो अस्रवान विंदेहम पुरुह पाहनम। हे अग्नि नारायण, आप मेरा कभी त्याग न करें। आप अच्छे लक्ष्मी को मेरे यहाँ भेजने की कृपा करें, जिनके आगमन से मुझे धन संपत्ति गौ दास दासियां पुत्र पौत्राद आदि में प्राप्त कर सकूं। यह स्वचिह प्रियसो भूत्वा जुह यादा ज्य मनवहम सूक्तम पंच दसर्च च श्री काम है सतम जपे। जिस मनुष्य को अपने अपराधों का बोध कराना हो या धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा हो, उस मनुष्य को नित्य स्नान आदि कर पूर्व श्रद्धा के साथ
अग्नि में इन सब ऋचाओं द्वारा गाय के घी से यज्ञ होम करना चाहिए। दर्शकों, यही लक्ष्मी श्री सूक्त संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।